हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जामिया वाला इस वक्त मौजूद है बिहार के चंपारण कटियागंज रेलवे स्टेशन पर। इसी बीच हमारे सामने हैं, हमारे साथ हैं इस वक्त वाल्मीकि नगर के सांसद सुनील कुमार सर, जो कि अभी जीएम साहब से मिले हैं और तमाम जो रेलखंड है नकटियागंज से रसकौल और दरभंगा की तरफ, खासतौर पर इनका क्षेत्र मरजदवा और सिकटा पड़ता है, तो उसमें सर आपने क्या मेमोरेंडम दिया स्पेशली मरजदवा के लेकर? देखिए, मरजदवा में हमने कहा कि मरजदवा स्टेशन पर अंडरपास या ओवरब्रिज की बनाने की अति आवश्यकता है कि लोगों को आने जाने में असुविधा होती है। नरकटियागंज जंक्शन की बात मैं कहूँ तो नरकटियागंज जंक्शन पे आपको वृद्धजन और दिव्यांग जनों को आने में सबसे बड़ी असुविधा हो रही है, और इसके बारे में हमने जीएम महोदय को बोला, जीएम महोदय ने बोला, उसको नोट भी किया, उसका हमने पूरा विधिवत पूरी जानकारी भी दी है, डिटेल भी दिया है, और उन्होंने कहा कि नहीं, इस पर कार्रवाई हम लोग करेंगे, इसको उसको बनाने का प्रयास करेंगे। एक और चीज़ आता है, एक ओवरब्रिज आपने कहा, अंडरपास भी कहा, लेकिन प्लेटफॉर्म जो बहुत ही नीचे हो गया है और जैसे गर्भवती महिला है और बुजुर्ग महिला है उसको पावधान पकड़ अंदर चढ़ नहीं पाती है, इस पर कुछ नज़रसानी आपने कुछ याद दिलाया? उसके बारे में भी बात हुई है, डिटेल बात हुई है, और पूरे डिटेल हम उसको पत्र के माध्यम से भी हम लोग देने का काम किए हैं और उन्हें हामी भरी है कि इसमें पूरी काम हम लोग तत्परता के साथ करेंगे। एक और चीज़ है, बड़ी ही बहुत ही प्रॉब्लम होती है, खासतौर पर अभी रेल नहीं चल रही है जो कि लोकल से दो ही, मतलब कि फिर एक तरह से अप एंड डाउन करती है, क्या आप मांग किए हैं या चाहते हैं कि और भी रेलवे एक तरह से ट्रेन चले? देखिए, अभी जो ट्रेन जो बंद है, जो लंबित है, इसमें सबसे बड़ा कारण है कि देखिए, देश जो है सबसे बड़ी वैश्विक महामारी से जूझ रहा था, आज थोड़ा सा राहत मिला है, और अब जो है सभी जो ट्रेन पहले बंद था उसको संचालित करने का विभाग भी काम कर रही है और सभी ट्रेन चलाने की, इस पर भी हमको विधिवत बात हुई जी। एक लास्ट सवाल, आपके नज़र में ख़ासतौर पर जो नकटियागंज रसकौल और दरभंगा तक ये जो रेलखंड जाती है, एक तरह से भारत की दृष्टि, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़रूरी है, तो इस पर भी एक तरह सुरक्षा व्यवस्था और जो रेलवे से सटे हुए रोड भी एक तरह से बनना भी बहुत ज़रूरी है तेज़ रफ्तार से? देखिए, इस आप जो बात पूछ रहे हैं तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है उसके पहले से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार से जो है इंडो नेपाल जो है सत सीमा रोड जो है उसका भी काम चल रहा है, कुछ कुछ जगहों पर कुछ कमियां हैं, उसको भी सुधार करके उसको काम को तेज़ी से लाने का काम हो रहा है उसमें। बात और मैं बताना चाहूँगा कि नरकटियागंज जंक्शन जो है 4 लाइन का जंक्शन है, और हमने जीएम महोदय को कहा कि यहाँ पर आपको प्रवेश द्वार और निकास द्वार नहीं है, तो उन्होंने बहुत ही गंभीरता से इस बात को लिया और उस पर हामी भरी कि इसमें हम लोग विभागीय आगे कर रहे हैं और उसमें काम। जैसे कि आपने भी गांव में जाकर भी लोगों की मुद्दा को समझकर एक तरह से उसके पास नोट डाउन करके सर से आपने दिया? हाँ। देखिए, पहले भी लगभग 4-5 माह पहले जो है हम उनसे जाकर विधिवत जो है पूरे लोकसभा क्षेत्र की बहुत समस्या है, आपको हरिनगर में देखिए, आपको यहाँ पर वहाँ पर लोगों को बैठने में असुविधा है, आपको बगहा में प्लेटफॉर्म को ऊंचीकरण करने की, जो यानी मतलब कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में जितनी भी समस्या है उसको विधिवत अध्ययन करके हमने जो है उसकी विस्तृत जानकारी पूर्व में भी दी है और आज भी हमने विधिवत जानकारी दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ वाल्मीकि नगर के सांसद सुनील कुमार सर, जो बजाबते लोगों की समस्या सुनकर नोट डाउन कर आज जो रेलवे जीएम जो आए हैं नकटियागंज पर, वो एक तरह से विजिट कर रहे हैं, लोगों की समस्या सुन रहे हैं, तो सर ने बजाबते एक तरह से मेमोरेंडम, एक तरह से एप्लीकेशन दिया है। बहरहाल, आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड में, हम तस्लीम बिहार के चंपारण नकटियागंज रेलवे जंक्शन से।